नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है छह बच चुके हैं सी टी आर द रीजनिंग में रेलवे के सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास आप सभी लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकती है अगर आप डेली इसको करते हैं क्योंकि यहां पर हम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हैं 25 क्वेश्चन का एक सेट और ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पक्का आएंगे और ऐसे लॉजिक जो कि आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास क्लास को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में वेरी गुड इवनिंग टू ऑल नमस्कार आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप सभी को पता है दोस्तों नवरात्रि का ऑफर चल रहा है सोलह अप्रैल तक अगर आप में से कोई भी अभी भी बेसिक कोर्स में जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है बढ़िया तरीके से बेसिक तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और जो फीस दोस्तों आप लोग जो बैचेस हैं जो अगर आठ सौ रुपए का कोई बैच है तो उसकी फीस कम कर दी गई है रीजनिंग का जो बैच है उसकी भी फीस कम कर दी गई है और जो साइंस का बैच है उसकी भी फीस आपकी कम कर दी गई है ओवरऑल आरबी बैच की फीस भी आपकी कम हो चुकी है ठीक है आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को जितने लोग भी तैयार हैं सभी लोग फटाफट से मुझे एक बार रेडी का अंगूठा दिखा दो कि हम सभी लोग रेडी हैं तो चलिए भाई मैं भी रेडी हो जाता हूं अपने टाइमर के साथ में और आइए एक और बेहतरीन सा एक मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करते हो देखते हैं कि आप इसमें कैसा परफॉर्म करते हो देखिए दोस्तों तो डेली यहां पर हम आ जाते हैं क्लास करवाने आप आ जाते हैं क्लास कर दें तो इसका क्या मतलब इसका मतलब केवल यह है कि अगर आप डेली बेसिस पर यह क्वेश्चंस करते रहे ना तो आग, आपके एग्जामिनेशन में आपको सारे क्वेश्चन हलवा लगेंगे बस आप अपना डेली एक घंटा मुझे यहां पर टाइम देते रहिए प्रैक्टिस के लिए और जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो एक बार बेसिक से फाउंडेशन बैच पढ़ लो उसके बाद प्रैक्टिस करो सब चीजें आसान लगने लगेंगी ठीक है आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को वेरी गुड इवनिंग चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा देखते हैं कौन इसको सही कर सकता है कौन गलत नहीं नहीं किसी को जाना नहीं है मैं चली जाऊं सर क्यों चली जाऊ पढ़ाई करूं चुपचाप अभी तो शुरू हुआ है चलो देखो क्या कर सकते हैं भाई ये दोस्तों स्क्वायर होता है तेरह का ये स्क्वायर होता है दो का ये स्क्वायर होता है चार का और ये स्क्वायर होता है सत्रह का तो सबके सब दोस्तों देखा जाए तो स्क्वायर है सबके सब आपके स्क्वायर है ठीक है सबके सब दोस्तों स्क्वायर है लेकिन इसके बावजूद भी हम एक को अलग कर सकते हैं पता किस को दोस्तों ये एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है दो भी एक प्राइम नंबर होता है सत्रह भी प्राइम नंबर है लेकिन सी यानी कि चार जो है वो प्राइम नंबर नहीं है यानी कि सोलह जो है वो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो करेक्ट आंसर आपका सोलह हो जाएगा अगला प्रश्न पांच से छत्तीस पांच से छत्तीस तो आठ से क्या देखो दोस्तों पांच से छत्तीस हम ऐसे बना सकते हैं पांच इंटू सात सात बना पैंतीस पैंतीस में एक जोड़ा तो छत्तीस आ सकता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहां पर अगर हम करते हैं तो आठ का मल्टीप्लाई सात में करें तो छप्पन छप्पन में एक जोड़ेंगे तो आना चाहिए सत्तावन सत्तावन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो भाई एक काम करो ये लॉजिक हटा दो ये लॉजिक तो बेकार हो गया दूसरा लॉजिक और क्या कर सकते हैं भाई एक काम ये कर सकते हैं पांच का मल्टीप्लाई छह में पांच छिका तीस और तीस में अगर मैं दोस्तों छह जोड़ दू तो कितना हो जाएगा तीस में छह जोड़ने पर आ जाएगा छत्तीस ये भी एक लॉजिक हो सकता है तो आठ का मल्टीप्लाई छे में करके वो प्लस का छे कर दीजिए अड़तालीस और छह कितना हो जाएगा चौवन चौवन है ऑप्शन में तो हम इसको लगा सकते हैं ठीक है तो लॉजिक जरूरी नहीं एक ही हमेशा फॉलो करे लॉजिक कुछ भी फॉलो कर सकता है बस उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन होने चाहिए उसके अंदर है ना चलिए अगला चलिए आइए क्या कर सकते हैं इसको देखो सबसे पहले अपन लगा देते हैं ट्रिक ऊपर वाले में है ना इसमें कितने मिल जाएंगे एक दो तीन तीन दो पांच और एक छे, इस वाले में भी छे, और इस बड़े वाले में भी छह ठीक है बाय शॉर्ट ट्रिक ठीक है अब जरा नीचे वाले पे आ जाओ नीचे वाले में दोस्तों पहले हम स्पेस ट्रिक लगा दे एक दो तीन चार चार का डबल कितना हो जाता है यहां से मिल गए के बाद इस पूरे बड़े वाले में अगर हम ट्रिक लगाते हैं तो ये लाइन गिर रही है तो एक दो और तीन तो तीन दो पांच और एक यहां से मिल गए हम लोगों को इसको हटा दीजिए इसके बाद अगर देखो तो भाई एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला दो और दो के बाद यहां से लेकर पूरा यहां तक एक ये वाला एक और एक ये वाला दो दो और दो कितने हो गए चार तो चार और हो गए आपके पास एक्स्ट्रा और देखो दोस्तों इसके अंदर इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा तो नहीं बन सकता है इसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा तो मेरे ख्याल से नहीं बन सकता ऐसे वाला बनेगा नहीं ऐसे वाला बनेगा नहीं ठीक है ठीक है अब उसके बाद एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला चार और हो गए आपके पास और कोई एक्स्ट्रा देखो कोई बन सकता है ऊपर नीचे को जोड़ जाड़ के आई थिंक दोस्तों नहीं बन सकता तो जो भी थे सारे हो गए जोड़ दो इनसे सबको एक दो तीन नहीं ऐसा करो छ चार दस और छह और चार दस दस और दस कितने हो गए बीस और छ और छह बारह बारह और आठ बारह आठ कितना हो गया बारह आठ भी बीस 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 चालीस तो भाई साहब हम लोग चालीस तक तो पहुंच गए अब चालीस के अलावा दोस्तों और कोई एक सा जी हाँ एक बच गया है जो कि मुझे लग रहा था कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है क्योंकि देखो तो ये वाला हमने जोड़ लिया ये वाला हमने जोड़ लिया लेकिन क्या हमने ये वाला जोड़ा नहीं जोड़ा एक ये रह गया यार छुटकू सा ये नहीं हुआ तो भाई इसमें एक और जोड़ दो कितना हो जाएगा हमारे पास इकतालीस यानी कि फोर्टी वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्टी वन इज द करेक्ट आंसर चलो एक और आ जाते हैं क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है चालीस सेकेंड के समय आपके पास में कोशिश करिए पचास सेकेंड ले लो अच्छा चलो सुप्रिया सेठ बेटा आप क्या करा करो जो मैं अप्रोच लगाता हूं ना आप मेरी अप्रोचेस पे ध्यान दिया करो कि हम क्या करते हैं कि हमेशा ट्रिक्स वाले जो फिगर हैं उनके ऊपर ट्रिक्स लगा के निकाल लेते हैं फिर हम हमेशा ये देखते हैं जैसे कि ये जो क्वेश्चन था हमने पहले क्या करा केवल इसके ऊपर ध्यान दिया मैंने और कोई नहीं देखा फिर मैंने केवल इसके ऊपर ध्यान दिया है ना अब इसके अंदर से जितने भी ट्रिक वाले थे वो तो निकल गए ट्रिक के अलावा फिर मैं क्या करता हूं जितनी भी लाइंस है ना लाइंस को अपने माइंड में ऐसे घुमाता हूं कि कहीं से कोई ट्राइंगल बन सकता है क्या बन सकता है ऐसा आपको देखना पड़ेगा पार पार। थोड़ा पावर को बढ़ाना पड़ेगा आपने कहा ना कि सर हमारे हमेशा एक आद छूट जाते तो भाई ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा कि देखो जैसे मान लो इस वाले के अंदर था ये वाला हो गया बड़ा वाला हो गया लेकिन अब देखो लाइंस जो बन रही है उन लाइंस को सबको जो ऐसे मतलब ट्राइंगल बना बना के देखो हर जगह पर तो जैसे देखो मैंने क्या किया था पता है मैंने देखो इस वाले को बना के देखा था यार ये तो बन नहीं रहा फिर मैंने इस वाले को बना के ये भी नहीं बन रहा तो यहां से फिर पता चला भाई एक ये भी तो बन जाएगा हमारा तो ये ऑब्जर्वेशन है तो जो मैं अप्रोचेस यूज करता हूं उनकी अगर आप फॉलो करेंगे ना तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप कर लोगे आराम से आपको टेंशन नहीं होगी ठीक है और ज्यादा वो नहीं करना खिचड़ी नहीं बनाना कि आप खिचड़ी बनाओ कि आप इधर से भी चल रहे हो फिर इधर से भी उधर से एक सीक्वेंस में चलिए दिक्कत कम होगी देखो भाई ये दोस्तों सीधा सीधा पांच आ रहा है अगर मैं सबको जोड़ दू तो सात और एक आठ और एक दो दस दस यहां से आ गया पांच और एक छह तीन नौ नौ चार तेरह तेरह दो पंद्रह इनको मिलाकर पंद्रह तो आप कह सकते हो भाई ये पांच आ रहा है ये दस आ रहा है ये पंद्रह तो फिर आगे क्या हो सकता है बीस हो सकता है तो भाई सात और तीन दस दस और एक ग्यारह ग्यारह तो यहां से आ गया और चार दो छह और एक सात यहां से आ गया तो कितना और जोड़ कि बीस आ जाए तो बोले ग्यारह प्लस सात यानी कि अट्ठारह और दो दो और चाहिए भाई तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास दो इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने समय आपको मिलता है केवल तीस सेकंड अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से करना आपको बताना है इन सभी में एक अलग है वो अलग वाला कौन सा है सर कोई काला जादू सिखा दो मैं तो काला जादू से गायब करना जानता हूं मैं किसी को भी गायब कर सकता हूं पता है चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों अभी आप सब लोगों को ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है देखो ये व्हाइट वाला हिस्सा गायब हो गया और कैसे हुआ देखो काला काला हो गया इसको कहते काला जादू तो मैंने अपने काले जादू से इस वाइट हिस्से को गायब कर दिया मैं किसी को भी गायब कर सकता हूं चलो देखो अच्छा इधर आ जाओ लेकिन हम सिखाएंगे नहीं ये चीज किसी को देखो कुछ चीजें ऐसी होती कि भाई सिखाई नहीं जाती सिखा देंगे तो फिर फिर मतलब ही क्या है फिर कुछ चीजें हमारे पास हमारी यूनिक रहने दो ना देखो इनमें से अलग वाला बताओ ही कौन सा इनमें से अगर हम अलग वाला बताएं तो भाई इसमें बताना क्या है ये ही वाला अलग हो जाएगा सी वाला बोलो क्यों हो जाएगा क्योंकि सब में दोस्तों ये जो पहला वाला हिस्सा है ये काला है इसमें भी जो पहला हिस्सा वो काला है इधर का ये भी पहला हिस्सा काला और ये भी पहला हिस्सा लेकिन यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा काला है तो कौन सा वाला अलग हो जाएगा सी वाला और सी किसमें दिया हमने डी में तो डी यानी कि सी हमारा गलेक्ट्रांस है ना चलो अगला क्वेश्चन सर प्लीज जो बोर्ड पे लिखते हो ऐसे ही पीडीएफ दे दीजिए ये सब ट्रिक्स याद रहती हैं देखो बेटा वो मैं ट्रिक्स इसलिए नहीं देता हूं उसका कारण क्या है कि जो हमने ट्रिक्स लिखी जो भी चीजें लिखता हूं उसको मैं मिटा देता हूं यहां पर तो जब मिटा देता हूं फिर वो वापस से हम कैसे दें आपको आप समझ रहे हो और दूसरा मैं इसलिए भी नहीं देता हूं कि हम ये चाहते हैं कि जब आप दोबारा इस पीडीएफ को लगाओ देखो अगर इसके नीचे मैंने अपनी सारी ट्रिक्स या फिर जो भी मतलब लॉजिक है वो लिख के दिया ना तो जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे दोबारा तो आपके सामने आंसर रहेगा तो आपका नजर आंसर पे जाएगी बार बार आप कर ही नहीं जवाओगे प्रैक्टिस तो मैं इसलिए देता हूं कि आप क्या करो उसके खुद प्रैक्टिस करो और जो क्वेश्चन ना बने तो उसके वीडियो पे जाके पर्टिकुलर बस वही वीडियो देख लो मतलब वो क्वेश्चन तो उसको लिख लो फिर आप इसलिए थोड़ा एफर्ट देखो लगानी पड़ेगी आपको भी हर चीज हमसे करवा लोगे तो हो गया फिर काम चलो भाई देखो क्या कर सकते हैं ये नंबर भी होता है, ये नंबर नंबर भी भी स्क्वायर स्क्वायर होता होता है है लेकिन अगर मैं इक्यासी में दोस्तों तेरह का माइनस कर दूं तो ग्यारह में से तीन गया आठ बचा और सात में से एक गया छह बचा अड़सठ आ गया जो हमें चाहिए था अब आपको कि सर आपने इक्यासी में से तेरह कैसे माइनस कर दिया बोले देखो ऐसे माइनस कर दिया कि इक्यासी में माइनस कर दिया अंडर रूट ऑफ वन सिक्सटी तेरा ही तो होता है तो 81 यानि कि कितना हो जाएगा? नहीं तो बोलो ना सही है देखो अब बताओ यहां पर कौन से में सही होगा तो भाई देखो सिक्सटी फोर में दोस्तों माइनस करेंगे बारह और बारह करेंगे तो बयालीस नहीं आने वाला बावन आएगा हटा दीजिए फोर्टी नाइन में से माइनस कर देंगे एक सौ इक्कीस यानी कि ग्यारह तो ग्यारह करेंगे तो आठ यहां बचेगा तीन यहां पर सही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ जाएगा ठीक है ना चलो आ जाओ अगला प्रश्न समय मिलता है आप सभी लोगों को चालीस का सर जी आपकी क्लास कितनी होती है एक दिन में बताओ प्लीज एक होती है सुबह दस बजे मजा आने लगा ना तुमको <laughs> मजा आ रहा है ना मजे के लिए ले रहे हो क्लास हम समझ रहे हैं एक शाम को छः बजे होगी ये डेली होती है ये डेली होती है है ना बाकी और मजे चाहिए हैं तो और मजे के लिए फिर आप चाहो तो एक रात में आठ बजे आ सकते हो ये कभी कभी होती है आज होगी आज आठ बजे भी आपकी एन टी पी सी के लिए क्लास होगी जिसको करना है वो कर सकता है आठ बजे एन टी पी सी की क्लास होगी आज ठीक है तो एन टी पी सी के कुछ क्वेश्चन आज हम कराएंगे आप चाहो तो आ सकते हो एन टी पी सी के पेपर के क्वेश्चन ठीक है तो आप आ जाइएगा ध्यान से सभी लोग आठ बजे चलो इधर आ जाओ क्या कर सकते हैं भाई इसके साथ हा देखो भाई ये चौबीस भी हो सकता है सैंतीस चौबीस में दोस्तों कितना जोड़ देंगी कि सैंतीस आ जाए तो आपको के तेरह जोड़ दीजिए चार तीन सात दो और एक तीन लेकिन क्या दोस्तों यहां पर तेरह जोड़ने पर बात बनेगी आठ तीन ग्यारह हासिल एक चार पांच छह इकसठ आना चाहिए इकसठ हमारे पास नहीं है तो भाई डिफरेंस से लॉजिक तो नहीं बैठ रहा इसको हटा देते हैं अब दूसरा कुछ दिमाग लगाते हैं अब दोस्तों इसको मैं स्प्लिट कर दूं इसको मैं दो और चार भी लिख सकता हूं अगर मैं इसको दो और चार लिखता हूं तो फिर तो फिर क्या हो सकता है भाई छ का स्क्वायर छत्तीस छत्तीस में एक जोड़ा तो सैंतीस हाँ ये एक लॉजिक हो सकता है सॉरी माफी चाहूंगा छत्तीस ठीक है सैंतीस हो सकता है भाई देखो चार दो छे का स्क्वायर प्लस एक तो फिर इसको भी मैं आठ और चार मान लू आठ चार बारह लेकिन दोस्तों फिर बारह का स्क्वायर एक सौ चवालीस और फिर वो तो है ही नहीं है यहाँ पर चलो हटाओ ये भी हटा दो फिर आप एक काम करो दो और चार को मल्टीप्लाई कर दो चार दूनी आठ फिर दोस्तों आठ 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 चौक बत्तीस बत्तीस में ती, तीन पांच जोड़ना पड़ेगा तो सैंतीस आएगा लॉजिक तो बहुत सारे हो सकते हैं बनाते रहो जब तक ना बने है ना देखो ये मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सोचा जा सकता है तो भाई इसको कर देंगे तो आठ और चौक बत्तीस आ गया आप बत्तीस में दोस्तों चार गुना करोगे तो आपके ऑप्शन से बाहर निकल गया हटाओ अब लगाओ दिमाग क्या अगर दोस्तों आपका मान लो मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन स्क्वायर क्यूब नहीं आ रहा है समझ में कुछ है तो देखो जरा दोस्तों ये जो नंबर्स हैं क्या ये आपको किसी के करीब दिख रहे हैं क्या किसी के मतलब आपको स्क्वायर क्यूब के करीब जैसे दिख रहे हैं क्या जैसे कि ये जो नंबर है क्या मैं इसको पांच का स्क्वायर माइनस एक लिख सकता हूं क्या मैं इसको छ का स्क्वायर प्लस एक नहीं लिख सकता हूं देखो छत्तीस प्लस एक और ये पच्चीस माइनस एक तो क्या ये नंबर मेरे लिए सात का स्क्वायर माइनस एक हो सकता है तो ये पांच था ये छह था ये सात है तो फिर ये आठ हो सकता है तो आठ का स्क्वायर और प्लस का एक यानी कि पैंसठ हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए सिक्सटी फाइव शुड बी द करेक्ट आंसर ये समझ में आया सभी को ठीक है ना चलो एक और आ जाओ बीस सेकेंड दोस्तों एक है मैकेनिकल एनर्जी एक है एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी तो भैया मेरे पोटेंशियल एनर्जी भी एक प्रकार की एनर्जी होती है और मैकेनिकल एनर्जी भी एक प्रकार की एनर्जी होती है दोनों के दोनों दोस्तों एनर्जी होते हैं कुछ भी अलग नहीं होता इसके अंदर तो एक बात तो पक्की है कि भाई एनर्जी के अंदर ही दोनों टाइप की एनर्जी आएंगी ये बात तो पक्की है तो इस आंसर को मैं हटा देता हूं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसमें दोनों एक के अंदर एक नहीं है अब बात आती है कि मैं ए लगा दूं कि मैं डी लगा दूं और मुझे पता है दोस्तों आप गलती नहीं करोगे मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड दोस्तों आप लोगों का आंसर गलत है बिल्कुल गलत है इसलिए गलत है क्योंकि हमको क्या है ना नॉलेज नहीं है हमने फिजिक्स तो पढ़ी है लेकिन हमने उसको डीप में इतना पढ़ा नहीं क्या नहीं पढ़ा दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी ही होती है पोटेंशियल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों एनर्जी में ही आएगी तो करेक्ट आंसर क्या लगेगा ए ऑप्शन लगेगा भूल गए क्या पढ़ाई नहीं है फिजिक्स कैसे याद रहेगा चलो भूल गए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस करो तो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैकेनिकल इंजीनियर के पार्ट ही तो होते हैं फिर काइनेटिक और पोटेंशियल से मिलकर ही तो बनता है सर हमें तो आता था हम तो आपको चेक कर रहे थे हमको चेक ना कर पाओगे जिंदगी में जिंदगी खत्म हो जाएगी हमको चेक करते करते अपने आप को भी भूल जाओगे चलो यहां देखो <laughs> ओके क्या कर सकते हैं चौदह देखो भाई बारह में एक जोड़ा चौदह में चार जोड़ा ऐसा कुछ हो सकता है क्या नहीं यार वो यहाँ फॉलो करेगा नहीं है ना हटा दो उसको इधर कर सकते हैं क्या बारह प्लस दो इधर कर सकते हैं प्लस का पांच इधर पे तो दे वो भी नहीं फॉलो करेगा इधर कर सकते हैं भाई प्लस का एक हो रहा है मान लो यहां से यहां इधर पे प्लस का छ लेकिन यहां पर हा ये हो सकता है शायद ये हो सकता है शायद देखो भाई लॉजिक मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया देखो मैंने क्या करा मैंने लॉजिक निकालने के लिए दोस्तों जबरदस्ती कुछ थोड़ी ना कुछ कर दिया मैंने कोशिश करी क्या मैंने यहां जोड़कर देखा यहां जोड़कर देखा नहीं बना यहां जोड़कर देखा यहां जोड़ नहीं बना लेकिन एक चीज बन गई देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो हम दोस्तों प्लस का एक कर रहे हैं और जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो बारह प्लस छ करेंगे अठारह तो दोस्तों में में से जोड़ा तो दस आता है और सोलह में बाईस के लिए छह जोड़ा तो देखो भाई है, है।, तो क्या करना है दोस्तों? यहां पर जोड़ देना है तो इसमें बताइए छह जोड़ देना है। तो दोस्तों बताइए कितना जोड़ दें कि छे अठारह आ जाए तो आपको क्या सर बारह में छे जोड़ोगे तो अठारह और बारह कहां है हमारे पास बारह है ही नहीं तो आपको इसमें दो ऑप्शन में तेरह तेरह एक को बारह कर दो है ना तो सही हो जाएगा तो चलो दोस्तों एक काम करता हूं हो सकता है हमसे मिसप्रिंट हो गया हो मैं इसको हटा के दोस्तों बारह कर देता हूं ठीक है मैं इसको हटा के बारह कर देता हूं जिससे कि आप लोग टेंशन में ना आए ठीक बारह कर दिया भाई ठीक है चलो भाई बारह कर दिया तो क्या अब दोस्तों हम बारह लगा देंगे लगाएंगे हम अभी भी बारह नहीं बोलो क्यों क्योंकि यहां पर भी तो एक है वो भी तो चेक करना पड़ेगा बट यहां तो सोलह से सोलह जीरो तो अगर हम इसको बारह वो मिस प्रिंट था अगर हम बारह कर भी दें तो भी आंसर नहीं आने वाला है ना तो ये लॉजिक दोस्तों बताया एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दोस्तों अगर आपस में कुछ नहीं हो रहा है तो हमें फिर एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है कौन सा सभी नंबर को आपस में आप जरा जोड़ के देखिए यानी कि चौदह प्लस बारह प्लस तेरह और प्लस अठारह सबको जोड़ो जरा कितना आ रहा है चार जो छह तीन नौ और आठ सत्रह की हासिल एक दो तीन चार पांच कितना आ रहा है फिफ्टी सेवन आ रहा है अब जरा यहां पर भी दोस्तों सबको जोड़ के देखो तो ये हो जाएगा आपके पास दस सोलह नौ और बाईस कितना आ रहा है अभी जोड़ने पर नौ और छह पंद्रह पंद्रह और दो सत्रह के आंसर एक दो तीन तीन दो पांच ये भी सत्तावन आया तो इन सबको जोड़ने पर भी सेम वैल्यू इसको भी जोड़ने पर सेम वैल्यू तो फिर यहां पर भी जोड़ने पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए सत्तावन आना चाहिए तो बताओ भाई यहां पर क्या रख देंगे सत्तावन आ जाए दोस्तों सोलह और सोलह कितना होता है बत्तीस होता है फिर से देखो सोलह और सोलह कितना होता है बत्तीस होता है बत्तीस में अठारह जोड़ो तो कितना आ जाएगा पचास तो भाई पचास में कितना और जोड़ दो बोले सात और जोड़ दो आंसर कितना आएगा सेवन इज द करेक्ट आंसर ठीक है आ जाओ अभी ये वाला चैप्टर तो अभी अभी हमने शायद आई थिंक परसों पढ़ा है सुबह है ना ये चैप्टर हम लोगों ने परसों सुबह पढ़ा है पढ़िए इसको परसों भी पढ़ा था कल भी पढ़ा था आई थिंक सुदीप्ता चेक करो बेटा फिर से थर्टीन नहीं आएगा चेक तो करो देखो 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 चेक करो देखो जरा सब में आना चाहिए है ना सब में आना चाहिए सब में देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह का मतलब होता है दोस्तों या तो हम तीन तीन के छह पेयर बना लेते हैं या फिर हम छह के तीन बना लेते हैं तीन तीन के छह काटे तो तीन काटा तीन काटा तीन काटा तीन काटा तीन काटा भाई ये ए से शुरू हो रहा है बी से शुरू हो रहा है तो फिर एक काम करो इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे ठीक है कर सकते हैं और इसको दोस्तों इससे तो यहां पर डबल भी यहां भी डबल बी यहां पर ए है तो यहां पर भी ए है यहां पर भी डबल बी ए कर देते हैं तो यानी कि ए डबल बी बी डबल ए ए डबल बी बी डबल ए ए डबल बी बी डबल ए ये आंसर बन जाएगा आंसर विल बी ए बी बी ए ए बी ए ए है ए ए बी ए बी बी ए ए बी ए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन भाई देखो आठ दो सौ सोलह छह अच्छा देखो ये क्यूब क्यूब ये भी क्यूब 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 सबके सब, सब क्यूब है लेकिन ये नंबर दोस्तों क्यूब नहीं है तो यानी कि इन इन नंबर से मैं नंबर्स को बनाने की कोशिश करता हूं तो अगर मैं इसका क्यूब रूट लेता हूं तो हमें मिलेगा दो और इसका क्यूब रूट लेता हूं तो मुझे मिलेगा छह और छे और दो से बनाना बहुत आसान है भाई छे दुनिया बारह और इसका अगर मैं आधा कर देता हूं तो मुझको छह मिलेगा लेकिन क्या दूसरे में फॉलो करेगा इसका क्यूब आएगा सात और इसका क्यूब आ जाएगा दोस्तों हमारे पास आठ दोनों को मल्टीप्लाई किया छप्पन और छप्पन का दोस्तों अगर मैंने आधा किया तो हमारे पास आंसर आएगा अट्ठाईस जो कि यहां नहीं दिया हुआ है तीसरा चेक करो यह जाएगा पांच या जाएगा चार पांचों को बीस और बीस का दोस्तों आधा करेंगे दस ये सही आ रहा है लास्ट वाले में आ जाएगा दोस्तों नौ और इसका आ जाएगा बारह और दोनों का मल्टीप्लाई करके आधा अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा मेरे पास चौवन यानी कि फिफ्टी फोर तो भाई सारे सही जा रहे हैं लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं जा रहा है ठीक है अगला प्रश्न चलो भाई देखो पांच से 125 बोले बहुत आसान है भाई पांच का क्यूब 125 ही होता है भाई पांच का क्यूब 125 होता है तो उस हिसाब से अगर हम चलें तो नौ का क्यूब सात सौ उनतीस पहला सही हो जाना चाहिए लेकिन अगर ऐसा है चले अगर ऐसे चले मान लो तो फिर दोस्तों फिर तो फिर सात का क्यूब भी होना चाहिए फिर ये वाला सही होना चाहिए ऐसे तो फिर दोस्तों छह का क्यूब फिर दो सौ सोलह यह भी सही हो जाना चाहिए है कि नहीं है आप समझ रहे हो मेरी बात तो भाई आप कहोगे नहीं सर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये भी क्यूब है कि ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है तो सबके सब दोस्तों क्या आ गए क्यूब आ गए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या दोस्तों पांच क्या है एक प्राइम नंबर भी है तो मैं इसका प्राइम नंबर का क्यूब कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं तो यानी कि दोस्तों पांच एक प्राइम नंबर और प्राइम का क्यूब अगर हम करते हैं तो यहां पर सात एक प्राइम नंबर है और प्राइम का क्यूब थ्री फोर्टी थ्री हमारा आंसर हो सकता है हो सकता है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न तीस सेकेंड कितने स्क्वायर दिख रहे हैं तो सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं इसमें कितने स्क्वायर आ जाएंगे हमारे पास एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एक ये वाला नौ एक ये वाला दस और एक ये वाला ग्यारह ग्यारह तो ये आ गया हमारे पास ग्यारह के बाद इसमें कितने मिल जाएंगे हम लोगों को पांच और इसमें भी कितने मिल जाएंगे हम लोगों को पांच ठीक है ना तो मेरे ख्याल से पांच और ग्यारह और पांच ये आ गया और एक हमको मिलेगा ये बीच में एक ये वाला मिल जाएगा तो 11 और एक 12 और 10 22 आंसर आना चाहिए यानी कि 22 22 से ना तो एक ज्यादा ना तो एक कम ठीक है 22 से ना तो एक ज्यादा ना तो एक कम चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत ही अलग टाइप का है बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का है लेकिन मुझे लगता है कि आप में से लोग बना सकते हो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा इस वाले ट्राइंगल से और इस वाले ट्राइंगल से अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं बना सकता तो हूं देखो इन दोनों को उठाओ और ये नंबर बनाने की कोशिश करो कैसे छह इंटू पांच यानी कि तीस और तीस का आधा कितना हो जाता है पंद्रह ये मिल गया भाई पंद्रह इन दोनों नंबर से दोस्तों ये वाला नंबर की कोशिश करो यानी कि आठ इंटू सात यानी कि छप्पन और छप्पन का आधा कितना होता है अट्ठाईस तो फिर इन दोनों नंबर से दोस्तों ये वाला नंबर बन जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर चार इंटू नौ यानी कि छत्तीस और छत्तीस का आधा कितना हो जाता है अट्ठारह तो एटीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए साढ़े बारह बजे घड़ी की घंटे वाली सुई अगर उत्तर की ओर है और मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है ऐसा हमें मानना पड़ेगा है ना दोस्तों साढ़े बारह पर किस तरीके से होता है भाई घंटे वाली सुई बारह पर होती है मिनट वाली सुई दोस्तों छे पर होगी ऐसा हम अज्यूम करेंगे हालांकि देखा जाए तो जो मिनट घंटे वाली सुई है वो थोड़ा सा बारह से आगे होती है बट ये क्वेश्चन अजम्शन पे चल रहा है इन्होंने बोल दिया कि साढ़े बारह बजे जो घंटे वाली सुई है वो उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ ऊपर हमारा मान लिया तो साउथ दोस्तों हमने मान लिया नीचे तो फिर ये हमारा हो जाएगा ईस्ट और ये हमारा हो जाएगा वेस्ट ठीक है तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए दो बजकर पैंतालीस मिनट पर, पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी दोस्तों दो पैंतालीस पैंतालीस जब भी बसता है यानी दो पैंतालीस जब होगा तो मिनट वाली सुई नौ पर होगी और ये सुई कहाँ पर होगी वेस्ट में यानी कि पश्चिम दिशा हमारा करेक्ट आंसर होगा ओके okay, बेटा सुदीपता मैं देख लेता हूं एक बार आपका लॉजिक बारह प्लस अच्छा आपने चौदह बारह जोड़ दिया छब्बीस अठारह तेरह जोड़ा तो इकतीस इकतीस में फिर आपने छह माइनस कर दिया देखना पड़ेगा यार ठीक है देखना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा चलो देखो सोलह उन्नीस और पंद्रह सोलह उन्नीस और पंद्रह लगाओ भी दिमाग क्या लगा सकते हो सोलह उन्नीस और पंद्रह इसको अगर दोस्तों मैं एक और छह मान लू दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे छह मिलेगा और इसको अगर मैं एक और नौ मालूम दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमको नौ मिलेगा और इसको दोनों को के जोड़ दें तो कितना मिलेगा हमें पंद्रह जो कि मिल सकता है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ और आठ और आठ कितना होता है सोलह गलत कर दीजिए सात दुनी चौदह और पांच तिया पंद्रह दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये भी गलत आठ दुनी सोलह और तीन दुनी छ और दोनों को जोड़ा तो बाईस ये सही हो सकता है चलो सर बारह नंबर क्वेश्चन में पंद्रह का स्क्वायर भी हो सकता है कैसे हो सकता है बेटा बताओ एक बार अगर अदर कोई लॉजिक आ रहा है दूसरा कोई लॉजिक आ रहा है तो बता दो उसको लिख के भेज दो ठीक है क्योंकि नंबर है नंबर से, से लॉजिक बहुत सारे बन सकते हो हैं मेरा दिमाग में नहीं आएगी लेकिन पंद्रह का स्क्वायर कैसे एक क्यूब है बेटा एक क्यूब है और एक स्क्वायर है तो क्यूब और स्क्वायर से कैसे बना सकते हैं हम देखो दोस्तों अगर मैं इस 28 में सीधा सीधा 16 का जोड़ करता हूं तो मुझे 44 मिल जाएगा लेकिन इसी 34 में अगर मैं 16 को जोड़ता हूं तो फिर मुझे ये नहीं मिलने वाला तो आप हो गया चौतीस में तो फिर हमको जोड़ना पड़ेगा कितना 34 में हमको जोड़ना पड़ेगा 12। तब हमको 46 मिलता है अब आप ये सोचो ये बारह कैसे आया और यह सोलह कैसे आया तो भाई समझ में आया हमें क्या कि अगर मैं 28 में ही इस 28 को ही आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं तो आठ दुनी 16 होता है और सेम दोस्तों यहां पर भी अगर मान लीजिए कि मैं इस चौतीस में इस तीन और चार को मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं तो यानी कि चौतीस और प्लस बारह छियालीस तो फिर इस पैंतालीस में हमको कितना जोड़ देना पड़ेगा चार इंटू पांच यानी कि बीस तो पैंतालीस प्लस बीस ये हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि पैंसठ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखो भाई सारे के सारे जो रेप्टाइल हैं वो किसके अंदर हो जाएंगे बर्ड के अंदर सारे बर्ड किसके अंदर हो जाएंगे दोस्तों स्काइस के अंदर और सारे स्काइस किसके अंदर हो जाएंगे हिल के अंदर सीधा सीधा डायग्राम है सभी रेप्टाइल हिल में है सही है सभी हिल बर्ड में है कह नहीं सकते भाई डाउटफुल हो जाएगा सभी स्काई रेप्टाइल में है कह नहीं सकते भाई डाउटफुल हो जाएगा सभी बर्ड हिल में है कह सकते हैं बिल्कुल सही है पहला और चौथा सही तो आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं क्योंकि हमारा आंसर क्या है हमारा आंसर है वन एंड फोर और वन एंड फोर अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या लगाओगे इनमें से कोई नहीं क्योंकि इनमें से कोई आंसर है ही नहीं चलो अगला प्रश्न सर उस क्वेश्चन में सारे क्यूब हैं और पंद्रह स्क्वायर है इसलिए बेटा ऑड वन आउट थोड़ी निकालना था हमको महिमा आप गलत लॉजिक लगा रहे हो आप कह रहे हो सर उस क्वेश्चन में सारे स्क्वायर हैं और एक मतलब सारे क्यूब हैं और एक स्क्वायर है इसलिए वो अलग अलग नहीं निकालना था बेटा हमको अलग वाला थोड़ी निकालना था मैंने बोला अगर पांच का संबंध एक सौ पच्चीस से है तो उसी प्रकार उसमें से कौन सा होगा तो मुझे इस जैसा लॉजिक पता करना है ना तो अगर आप इसको क्यूब मान रहे हो तो उसमें क्यूब का लॉजिक आपने क्या कर दिया आपने ऑड वन आउट निकाल दिया गलत वाला निकाल दिया कि सारे क्यूब हैं और वो स्क्वायर है तो उसको अलग कर देते अलग थोड़ी करना था मैं हां देखो चार दो छह तीन और एक सॉरी चार दो छह दो और एक तीन अगर मैं बाईस और चौदह को जोड़ता हूं तो मुझे मिल रहा है छत्तीस छत्तीस का अंडर रूट होता है छह में एक जोड़ा तो सात लेकिन क्या यहां फॉलो करेगा 26 और 23, उनचास होता है उनचास का अंडर रूट होता है सात सात में एक जोड़ा तो आठ हाँ ठीक है इसको अगर हम देखें तो फिर 85 और 59 को जोड़कर अंडर रूट करो पहले, नौ पांच चौदह हासिल एक आठ पांच तेरह और एक चौदह अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास बारह और बारह में एक जोड़ोगे तो तेरह हमारा करेक्ट आंसर है हो सकता है ठीक है इन सभी शब्दों को पहले तो एबीसीडी के क्रम में अरेंज करिए और फिर बताइए कि दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा तो भाई हमने ये चीज अभी आपको शायद आपको ध्यान होगा मिसलेनियस में कल ही हमने पढ़ा है सुबह है ना मिसलेनियस में तो भाई देखो सब में आपके पास यहां पर बीए जो कॉमन होता है उसको हम चेक नहीं करते अगला क्या था हमारे पास टी यहां पर एन यहां पर सी यहां पर एन यहां पर आर तो अब बताओ इनमें से पहले कौन आता है तो इनमें से पहले सी आता है तो यानी कि सी वाला सबसे पहले हो गया उसके बाद कौन आता है बोले उसके बाद आता है एन लेकिन एन तो दो में है तो आप देखो जरा एन के बाद यहां पर के है और यहां पर एन के बाद आई है तो पहले आई आता है फिर के आता है यानी कि डी वाला यहां पर आएगा और बी वाला यहां पर हमको कौन सा बताना था हमको बताना है दूसरा तो दूसरा शब्द हो जाएगा डी वाला और डी वाला कौन सा हो जाएगा यानी कि बेनिशिंग तो बेनिशिंग यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर है ठीक है ना चलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है? आप लोग कुछ भूल रहे हो रोज ही भूल जाते हो क्यों चलो अगला प्रश्न अच्छा कुछ लोगों को कितना भी कठिन लॉजिक दे दो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के बनाई देते हैं क्यों चलो जैसे क्वेश्चन आया अब यहां पर उन्नीस है 6 है अट्ठाईस है चार है तो भाई काफी लोग समझ गए एक्चुअली किया क्या गया है क्या किया गया है इस पूरे को मैंने एक साथ लिख लिया वन सिक्स और उसका मैं अगर आधा करूंगा तो ये जाएगा दोस्तों नाइन बार और एक बचा तो आठ बार सोलह इसको मैं पूरा लिख लूंगा दोस्तों टू एट फोर और इसका अगर मैं आधा करूंगा तो आएगा वन फोर्टी टू ये आ गया भाई तो इसको क्या करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे बत्तीस आठ को चिपका के इसका कर देंगे आधा तो आंसर आएगा वन सिक्स फोर यानी कि वन सिक्सटी फोर हमारा करेक्ट आंसर होगा बहुत बढ़िया चलो देखो एक आठ और दो एक आठ दो एक आठ दो का आधा कर दें नाइन्टीज में आएगा आंसर बेकार मल्टीप्लाई कर दें आठ दो नहीं सोलह बेकार सोलह से फिर कोई मतलब नहीं आठ दो दस और एक ग्यारह ग्यारह इंटू छ छियासठ प्लस तीन लेकिन फिर वहां पर दो नौ और चार दो नौ चार नौ दो अठारह बहत्तर बहत्तर बेकार तो फिर एक काम करो एक का स्क्वायर और आठ का स्क्वायर और दो का स्क्वायर क्योंकि ये चौंसठ तक तो हमें पहुंचा ही देगा तो चौंसठ और एक पैंसठ और चार उनहत्तर आ सकता है तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास चौंसठ और चार अड़सठ और एक उनहत्तर यहाँ फॉलो करेगा क्या ये दो है ये नौ है ये चार है तो दो का स्क्वायर और नौ का स्क्वायर और चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार इक्यासी और सोलह सोलह चार बीस एक सौ एक आंसर आना चाहिए भाई मजा आया लॉजिक में देखो भाई शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से चलें तो भाई ये इसका अपोजिट होगा एक एक तो का तो का भाई हो गया अब ये दो से जुड़ा हुआ ये 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 और ये कोने वाला तो ये हो नहीं सकते तो बचा छह तो दो का विपरीत हो गया छह तो बचा दोस्तों एक और एक के लिए बचा तीन तो एक का विपरीत तीन जाएगा आंसर थ्री विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है देखो भाई बीच में एक बड़ा सा नंबर बनाया जा रहा है बाकी के छोटे नंबर से मिलाकर है ना तो वो कैसे हो सकता है तो पहले एक बार जोड़ लें क्या सबको चार तीन सात 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 चौदह चौदह और दो सोलह सोलह और नौ पच्चीस है ना सात तीन दस चार दो छह नौ छह पंद्रह पच्चीस सबको जोड़ने पर दोस्तों पच्चीस आ रहा है और पच्चीस से हम एक सौ पच्चीस बना सकते हैं ठीक है सबको जोड़ने पर आ रहा है पच्चीस और पच्चीस से एक सौ पच्चीस बनाने के लिए मुझे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पांच में ठीक है इधर देखो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास नौ आठ छ तीन और पांच जोड़ो नौ आठ सत्रह सत्रह तीन बीस और इकतीस और इकतीस का मल्टीप्लाई पांच में करने पर आ जाएगा पंद्रह और पांच एक सौ सही है तो फिर यहां भी कर लीजिए आठ दो दस सात पांच बारह बारह और पांच सत्रह सत्रह और दस हो जाएगा सत्ताईस और सत्ताईस का मल्टीप्लाई पांच में कर दू तो सौ और एक सौ पैंतीस आंसर आन आना चाहिए ना बीस पंचे सौ और सात एक सौ पैंतीस एक सौ मैंने कुछ जोड़ने में गलती करी क्या आठ दो दस और सात पांच बारह बारह अच्छा सॉरी 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 बारह चार सोलह छब्बीस आ रहा है माफी चाहूंगा छब्बीस ट्वेंटी सिक्स है ना सात पांच बारह बारह चार सोलह और दस छब्बीस हमारा छब्बीस का मल्टीप्लाई छह में करना पड़ेगा तो एक सौ तीस आंसर आ जाएगा एक सौ तीस हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर ठीक है एक सौ तीस चलो इधर आ जाओ ये रहा आपका दोस्तों लड्डू वाला आखिरी क्वेश्चन है यार घर के लिए ले जाओ तो ज्यादा सही है ठीक है इसको लगा लेना आखिरी क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का सेट है होमवर्क के लिए आपके लिए कर लीजिएगा ठीक है चलिए तो तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन और आज के क्वेश्चन में लॉजिक बहुत ही भर भर के थे अच्छा लगा है सेशन तो लाइक करिएगा और हम वापस से मिलेंगे आपसे आठ बजे इसी चैनल पर फिर से आठ बजे रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी वन का एक प्रीवियसर पेपर कराऊंगा टॉप ट्वेंटी क्वेश्चंस उसके बेस्ट सेलेक्ट करके लाया हूं वो कराएंगे हम आपको ठीक है जिसको करना है वो आ सकता है और दोस्तों फाउंडेशन बैचेस की फीस कम हो गई है सोलह अप्रैल तक नवरात्रि तक ठीक है जो बैचेस आठ आठ सौ के थे वो आपको दोस्तों फाइव नाइन नाइन फोर नाइन नाइन में मिल रहे हैं आप देख सकते हैं अगर आपको बेसिक पढ़ना है और आरआरबी बैच जहां पर मैथ रीजनिंग जीके और जीएस सब कुछ मिलेगा एक साल की वैलिडिटी एवरीथिंग तो आप उसको भी ले सकते हैं इसकी भी फीस आपकी कम कर दी गई है एक साल तक के लिए आपके लिए पूरे के पूरे कोर्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा ठीक है सारे एग्जाम कवर होंगे रीजनिंग आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे डाउनलोड करना है क्विक ट्रिक्स पर एप्लीकेशन पेड कोर्स पे जाकर और बढ़िया तरीके से ज्वाइन की बटन दबा के कूपन कोड लगा दीजिएगा और व्हाट्सएप पे आपके लिंक आएगा उसको लिंक से आप लोग आपकी पेमेंट कर देंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का थैंक यू सो मच मिलते हैं से कल फिर इसी टाइम बजे CTR में कैच द रीजनिंग तब तक के लिए खुश रहिए मजे से अपने शुभ रात्रि जय हिंद थैंक यू